the radio you are familiar to. Crunchiest frequency modulation station of the city. This is Kamal FM 94. अस्सलाम वालेकुम दोस्तान मोहतरम, धमाल एफ एम 94 की ब्राह रास्त नशरियात आपको मेजबान जुलसनैन आज एक फिर बहुत ही खास प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। यकीनन दोस्तान मोहतरम, बाहर रिमझिम हल्की हल्की है और जब गर्मियों में इतना खूबसूरत मौसम होता है तो लॉन्ग ड्राइव का दिल करता है और फिर मुख्तलिफ चीजें इंसान के जहन में जो है ना पनपने लगती हैं। अब इन आइडियाज को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तमाम तरह चीजें जो हैं जब राइट वे में हो रही होती हैं, राइट वे में होना चाह रही होती हैं, तब बहुत ही बेहतर हो जाता है। एनीवेज, ये तो सोचा था जो मैंने शुरू में छेड़ दिया। आज की जो हमारी गुफ्तगू होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगी। अवेयरनेस डिस्कशन जो कि मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। प्रोग्राम जो है ये अवाम पाकिस्तान के एक ऑर्गेनाइजेशन है के हवाले से होगा। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल डिस्कशन हमारी चलेगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शामिल रहेंगे सोनिया पितरस साहिबा, उजाला नेटवर्क के साथ उजाला नेटवर्क की कंपेन जो है इसको फैसलाबाद की हद तक रन कर रही हैं, हामिद यासीन साहब ये सहाफी हैं और मुख्तलिफ शोबाजात में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। नसीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अवाम पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और जिसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इन सभी हजरात से हमारी गुफ्तगू जो है वो आज के प्रोग्राम में रहेगी बगैर किसी ताखीर और बगैर किसी वक्फे के। दोस्तान मोहतरम, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान, कैसे हैं आप? जी थोड़ा करीब होकर के बात कीजिए ताकि ज्यादा आवाज क्लियर हो जाए। जी नसीम साहब, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद यासीन साहब। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाए कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। सोनिया पितरस साहिबा आप कैसी हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक। नसीम साहब आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि उजाला नेटवर्क बुनियादी तौर पे है क्या और आप सभी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज पर नीड? बेसिकली उजाला नेटवर्क जो है ये समाजी तंजीमों का एक नेटवर्क है और इसमें जितनी भी तंजीमें हैं उनका सिर्फ एक ही मतमा नजर है कि समाज में होने वाली बुराइयों को किस तरह से जो है वो हाईलाइट किया जाए ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तो इस तरफ मबजूल करवाई जा सके कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए, कोई ऐसा कानून बन जाए जो इन तमाम बुराइयों को खत्म करने की तरफ रगब कर दे बाकी तमाम लोगों को। इसके साथ साथ तंजीमें कहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस का काम कर सकती हैं, लोगों को मोबिलाइज कर सकती हैं और किस तरह से रियासती इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो एक फर्क पैदा हुआ है उसको ब्रिज कर सकती हैं। तो उजाला नेटवर्क का बुनियादी मकसद एक्चुअली महरूम तबकात की आवाज को ऐवानों तक पहुंचाना और उनको रियासती इदारों के साथ कनेक्ट करवाना। ये महरूम तबकात जो है एक लंबी लिस्ट फराहम करता है, कुछ स्पेसिफिक्स बताइए। हाँ महरूम लगता बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि महरूम तबकात की कोई एक कैटेगरी नहीं है। महरूम तबकात तो इसमें देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें मजहबी अकलीतें आ जाती हैं, खवातीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, खवातीन को आगे फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इसमें अफराद बहम माजूरी की जो एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में वो आ जाती है, बच्चे हैं तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो महरूम तबकात सब तक तो पहुंचना मुमकिन नहीं होता ना, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉकेट में छोटी छोटी पॉकेट्स में काम करके हम उनके जो मसाइल होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जहां पर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर रहे होते हैं और जहां पर हम रियासत की तवज्जो चाह रहे होते हैं वहां पर भी हम अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और बुनियादी इसमें जो है वो काम यही है कि एक अवेयरनेस और इसके साथ साथ मोबिलाइजेशन और सेंसराइजेशन ये तीनों सतहों पर काम हो सके ताकि वो जो इतमाद की फिजा होती है इदारों के
से पब्लिक का उठ चुका होता है या सियासतदानों का जो एक किरदार हम एक नेगेटिव हमेशा मन के पहलू में देख रहे होते हैं, तो इस किस्म की चीजें जो है उनको खत्म किया जाए और एक समाजी आमादी की तरफ काम हो। बिल्कुल सही। इन स्केल ऑफ 1 to 10, दो मिनट में हमें वक्फे पे जाना होगा, अगर मैं पूछूं कि अचीवमेंट्स क्या हैं, किन तबकात को जो महरूम हैं आपने सबसे ज्यादा टेक केयर कर सके हैं, कर पाए हैं? हाँ, इसमें देखिए अपना अपना मैंडेट होता है और अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और रिसोर्सेज भी जारी बात है होते हैं। तो हम जैसे जो अदारे समाजी अदारे होते हैं वो ज्यादातर फाइनेंसिस जो होते हैं या फंड्स वगैरह जो होते हैं उनके चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो हम अपने तौर से भी कर सकते हैं, वही हमें डिफाइन करता है कि आपकी यादें क्या होगी। तो इस हवाले से हम जो है वो मजबूत लेता हूँ अपराध बहन मजदूरी और खवातीन, ये जो तीन शोबा जात है इस तक महदूद रहे और खासतौर पर ये जो कोरोना सीजन था इसमें एहसास प्रोग्राम में उनको फैसिलिटेट किया और जहां पे कहीं पे फिलंथ्रोपिस्ट कम्युनिटी जो थी रोशन वगैरह तकसीम कर रही थी तो उनकी तवज्जो जो थी वो मजबूत लेतों के जो ग्रुप्स थे और ट्रांसजेंडर के जो ग्रुप्स थे उनकी तरफ भी मकबूल करवाई। इसी तरह जो खवातीन के हवाले से जो चीजें थी उनको भी कनेक्टिविटी के प्रोग्राम में हम लेके आए। तो ये कुछ काम थे जो हमने पिछले कोरोना के सीजन में किए। इसके साथ साथ हम एंगेज रहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी, खासतौर पर फैसलाबाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स की मेंबर है वो भी फैसलाबाद में बेस्ड कर रही है, खुशकिस्मती से उसी स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयर हैं वो भी फैसलाबाद में ही है, तो हम उनको भी अपने प्रोग्राम्स में जो मदद करते रहते हैं जहां पे एक ऐसा फोरम एस्टैब्लिश कर देते हैं कि लोग अपनी बातें जो है डायरेक्ट पार्लियामेंटेरियन तक भी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी हम एंगेज रखते हैं, कहीं पे एक इवेंट कर लिया तो वहां पे मेहमान खुसूसी सोशल वेलफेयर से बुला लिया डीसी साहब आ गए या कोई और कमिश्नर टाइप जो लोग होते हैं उस रैंक के बंदे होते हैं उनको हम बुला लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो एक जेन्युइन सिचुएशन होती है वो वहां पे आके देख ले और फिर उस हिसाब से अपने जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसको लेके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज कभी कभी जो है वो देखकर पता चलती हैं, किताब पे आप जो पेपर वर्क होता है वो और तरह के से होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नसीम साहब हमारे साथ महबूब गुफ्तगू थे, रिसर्च असिस्टेंट हैं जीसी यूनिवर्सिटी में और अवाम पाकिस्तान के साथ भी इनका ताल्लुक है। हमारे साथ दो और मेहमान मौजूद हैं जिनमें हामिद यासीन साहब और सोनिया फितर साहब मौजूद हैं, इनसे हमारी गुफ्तगू यकीनन जारी रहेगी। वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, रहिए धमाल एफएम 94 के साथ साथ। चलती गाड़ियां हो या पार्क में चलते हुए लोग, हंडिया में चलता चम्मच हो या राइटिंग पैड पे चलती हुई पेंसिल, चलता ढाबा हो, चलती रेड़ी हो, चलती फैक्ट्रियां हो या चलते फिरते पहरेदार, रेडियो बस एक ही चलता है, 94 FM सबका रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए धमाल एफएम 94 फैसलाबाद। दोस्ताने मोहतरम, आप सुन रहे हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, मैं जिसे कहूंगा कि जिसमें मालूमात जो है, डिस्कशन जो है, जिसका आगाज हमेशा कहीं ना कहीं से तो होगा और होना चाहिए, हो रहा है, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होता है बहुत सारी सिचुएशन में। पिछले ही कॉन्टेंट को लेकर के चलते हैं और उसी के लिहाज से हामिद साहब आपसे मेरा सवाल है कि समाजी हमाहंगी के लिए आप अमली किरदार क्या अदा कर रहे हैं? समाजी हमाहंगी, ये एक बहुत वसी टॉपिक है। जैसे हम इसको देखें तो इसमें यह है कि हम एक जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें सारी एक ही तरह के लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं, मुख्तलिफ मजाहब के हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं, उनमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, लेबर कम्युनिटी भी है। अब जहां पे मजहबी अकायद की बात है तो हम मजहबी अकायद पर बहुत ज्यादा अपना अग्रेशन शो करने वाली कौम है। बिल्कुल ऐसे, ये इमोशनल टॉपिक, हमारा मुआशरा इतना अग्रेशन में आ चुका है कि हम किसी की बात को बर्दाश्त करने की तरफ जाते ही नहीं है।
लेकिन अभी मैं कल ही एक जगह ये देख रहा था तो मैं बहुत हैरान हुआ जब फतह मक्का का वक्त आया। फतह मक्का के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जिसने गज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा निकाल के चबा लिया था, और वो बड़ा अग्रेशन शो करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो रसूल पाक ने उसको माफ ऐसे नहीं किया कि उसको बुलाया और माफ कर दिया। उसके साथ पूरा मुकालमा हुआ जिसमें हिंदा ने एक दफा फिर अग्रेशन शो किया और कहा कि अगर तुम फाते हो लेकिन मैं तुम्हें फिर भी रसूल नहीं मानती। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बातें सुनने के बाद, तवील मुकालमे के बाद, फिर भी उसको कहा जा, फिर भी तू अपने घर चली जा, तेरे घर में अमान है। इसी वाक्य के साथ जुड़ा हुआ एक मुझे एक और वाक्य बड़ा इलम हुआ सामने आया कि फतह मक्का के बाद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की कुंजी ली और उसी काफर के हवाले कर दी जो उससे पहले उस कुंजी का निगरान था। अगरचे सहाबा ने उस वक्त एतराजात किए लेकिन सुरसदर ने फरमाया कि क्योंकि ये तवील अरसा से ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इसकी फैमिली में ये काम चला आ रहा है, तो इसी को करने दो, हो सकता है इसकी अगली नस्ल में से कोई मुसलमान हो जाए। तो ये देखें वो अहलियत की बुनियाद पे, अब हम देखते मदीना में यहूदियों को उस वक्त तक अमान दी जब तक जंग में बाज़ाब्ता यहूदियों ने अमली तौर पर उसका साथ नहीं दिया। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर रह सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं। इसमें क्या है कि आप अपनी अमानतें या जो फराइज हैं, जो काम हैं, वो गैर मुस्लिमों को सौंपे जा सकते हैं। तो हमारा तो मिशन ही ये है कि हम अपने अपने अकायद की बुनियाद पे रह के, अपने अकीदे की बुनियाद पे, उसमें ना किसी को दखल दें, ना हम खुद किसी के अकीदे में दखल दें, ना किसी के मजहब को छेड़े, ना किसी के अकीदे को बर्बाद करें, लेकिन हम माशरे में हम आहंगी के साथ रहते रहें। रहें बिल्कुल पॉजिटिव से एक अकीदे पे हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। ये जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी है जिसकी बुनियाद हमने आपको बताया भी, डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी फॉर सोशल एक्सेप्टेंस, जिसमें अकायद को ना छेड़ा जाए, इसी माशरे में इन्हीं अकायद के साथ तमाम मजहब के तमाम अकायद के लोग हम महंगी के साथ रहें, इस एक पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आजाद हो जाता है, कोई डायरेक्शन मुतय्यन नहीं हो पाती है। क्या ये बड़े खुले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब डेस्टिनेशन मुतारिफ या समझ में नहीं होती है तो बंदा आवारा गर्दी कर रहा होता है, और जब डेस्टिनेशन समझ में होती है तो इंसान पहुंचता है डेस्टिनेशन तक। हमारी डेस्टिनेशन ये देखेगा, अगर हम सिर्फ फैसलाबाद की देखें तो फैसलाबाद में लाइलपुर में रहने वाले नस्लों से रह रहे हैं, 100 साल 150 साल के ये माशरा है। तो इस माशरे में जो अभी हम लोग जितने भी मुख्तलिफ अकायद के मुख्तलिफ मजाहब के लोग हैं, ये भी नस्लों से रह रहे हैं। पार्टीशन के वक्त से भी अगर हम काउंट करें तो 70 साल का अरसा हो चुका है, तो 2-3 नस्लें नौजवान हो चुकी हैं। तो हमारा ये हमारा शहर है, ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा कल्चर एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारी बोली एक है। तो हम सिर्फ एक अकीदे की बुनियाद पे इतना अग्रेशन क्यों शो करें कि हम मरने मारने पे तुल जाएं। अगरचे किसी ने कोई अगर इख्तलाफी बात की भी है तो उसको अल्फाज से, दलाइल से समझाया जा सकता है। माशरा अदम बर्दाश्त का शिकार है। अदम बर्दाश्त से, अग्रेशन से जितना हम मामला को खराब करेंगे, अगर हम किसी के बुरे को बुरा कहेंगे तो वो हमारे अच्छे को भी बुरा कहेगा। फरमान की मैनिपुलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। फिर भी सर, कोई जब अदम बर्दाश्त हो तो उसमें एक फैक्टर तो नहीं कारसाज होता, और पॉजिटिव्स भी उसी ही सिचुएशन में पड़े होते हैं जहां पे नेगेटिव्स पड़े होते हैं। तो मैं ये समझ पाया हूं अब तक कि उजाला नेटवर्क पॉजिटिव्स को चुन चुनकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि उन रोशनी पॉजिटिव्स पे डाली जा सके, और नेगेटिव्स अगर हैं भी तो उनको कम से कम करने की कोशिश की जा सके। जी, हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया पित्रस। मैम, उजाला नेटवर्क के तहत आप अब तक किस किस्म की सरगर्मियां कर चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया। उजाला नेटवर्क के तहत जो है, हम लोग स्पेशली जो जिक्र करूंगी मैं कोविड के 19 के हवाले से, इस हवाले से हमने काफी जो है वो एक्टिविटीज की हैं। उसमें सबसे पहले तो जिक्र करूंगी कि हमने तहसील लेवल पे जो सर्वे किया था, उसमें कुछ कैटेगरीज थी जिसमें सिचुएशन एक देखी गई थी कि मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस हैं
उनमें उन तक जो है अगर हुकूमत ने ये प्रोग्राम है सास प्रोग्राम या इस तरह का कोई रिलीफ फंड प्रोग्राम वो उसका इनकार किया है तो वो मार्जिनलाइज सेक्शन तक किस तरह उन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस हवाले से एक सर्वे था जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, रिलीजियस मिनोरिटीज, विमेन और स्पेशली वो विमेन जो कि विमेन हेडेड फैमिलीज होती हैं उसके हवाले से ये सर्वे किया गया था। उसके अलावा इसमें था कि मुख्तलिफ तरह की अवेयरनेस जो है वो हम दें कम्युनिटी को अगर कोरोना के हवाले से है और इसके साथ साथ जो उसके सेफ्टी मेजर्स हैं इस हवाले से इस तरह की जो छोटी छोटी कम्पेन्स हैं और जो एक अदारे की लेवल पे है वो लोगों के साथ की गई है। और इसके साथ ही हमने कुछ था कि अगर आप एक तो ये हो गया कि हम लोग लोगों के पास जाकर उनके साथ ही एक सर्वे के हवाले से चीजें को शेयर कर रहे हैं, एक था कि जो लोग अच्छा लिख पा रहे हैं और वो अपनी मतलब कलम की ताकत के हवाले से वो लोगों को अवेयर कर रहे थे। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने ये आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो इस पे मतलब इन राइटिंग जो है इस तरह की अवेयरनेस दी है। और इसके साथ जो था क्योंकि अवाम का और उजाला नेटवर्क के कह लें कि ऑब्जेक्टिव हमारे सेम हैं, उसमें मार्जिनलाइज सेक्टर्स डिसेबिलिटी पे भी वो काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, विमेन राइट्स पे हो गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे हो गया। तो इस तरह की ये जो एक कह लें कि कोविड की सिचुएशन को टैकल करने के लिए या उसके साथ निबड़ने के लिए उजाला नेटवर्क और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर इस जो है ये इस सारे मसले को या इस कह लें कि इस सिचुएशन को हमने टैकल किया है थ्रू अवेयरनेस जो है इसको ज्यादातर फोकस किया गया है, जो कि जो लोग रिलीफ जिनको नहीं मिली थी उनको कनेक्ट करवाया गया है। स्पेशली जो था माइनस किया जा रहा था या कह लें कि देखने में सिचुएशन आई थी इनकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, इन तक नहीं पहुंच पा रहा था तो इनको जो है वो कनेक्ट करवाया गया है। और विमेन्स जो कि स्पेशली आप देख सकते हैं कि आजकल जो सिचुएशन हुई है बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन शुरू हो गया है और स्पेशली वो विमेन्स जो कि आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और उनको एक दो माह के लिए जो है वो काम से भी वो बिल्कुल घर बैठी हुई हैं, तो उनके लिए ऐसी चीजें जो है वो बहुत ही इस सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है और स्पेशली वो विमेन होती हैं जो कि एक फैमिली को चला रही होती हैं। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ कह लें कि जगह पे उनको कनेक्ट करवाया गया है और इस तरह की जो सिचुएशन है और खुदा करे कि ये जल्दी कवर हो जाए, अदरवाइज ये जो है फिर कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें जो है वो चलती रहे। जी बिल्कुल, ये ठीक है। आपके ख्याल में क्योंकि आप विजिट करते हैं पर्सनली तौर पे वहां पे मौजूद होते हैं, एक होता है बुक रीड करके किसी चीज को विजिट करना, एक होता है जाती तौर पे एक्सपीरियंस करना, आपके ख्याल में जो महरूम तबकात हैं इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? इनकी मौजूदा सूरत हाल ये मैंने पहले शेयर किया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें तो लोग जो है वो बहुत ही मुश्किल में कह लें कि गुजारा कर रहे हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल भी देखी जा रही है और समहाउ कह लें कि ठीक भी है, कहीं पे ठीक भी है और कहीं पे नहीं भी है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो कोशिश की जा सकती है। एक जॉब का फुकदान है जाहिर है, जब वो उसके अलावा कुछ आइडेंटिफाइड कुछ ऐसी चीजें जो माशरे में जो खास तौर पे आपने आइडेंटिफाई की हैं उन महरूम तबकात में जो कि जिन चीजों का होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेरे नोटिस में है वो तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही इंक्रीज कर गया है, लोग जो है घर बैठे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन वर्ड शायद ये छोटा हो जाएगा, लोग जो है घर बैठे मुख्तलिफ तरह की बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में एंगेज हो, अगर आप देखे जाए देख लें तो जब एक घर है उसमें जब एक बाप ही कमा कर लाने वाला है वो घर बैठ जाएगा, उसके बच्चे हैं, बच्चे और वो खासतौर पर वो जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं और वो एक ही बंदा जो है वो घर लेकर आ रहा है खाने के लिए और वो देखें इस सिचुएशन में अगर उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो वो तो फिर पहले भी वैसे यही सिचुएशन चल रही थी कि लोग जो है वो अपने बच्चों को बेचने पे और मारने पे आ गए थे, लेकिन अब जो है वो एक सर्वे के मुताबिक यह है कि ये चीजें जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, वायलेंस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सर नसीम साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि वायलेंस जो है खासतौर पर कोविड 19 में जब आप अपने ही घर के अंदर एक संघ के कैद होते हैं, इसकी हल क्या हो सकता है, इस वक्त को पॉजिटिव औकात में या पॉजिटिव एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम आखिर हल क्या कर सकते हैं ताकि फ्रस्ट्रेट ना हो सकें?
नहीं, इस पे एक तो ये भी समझना पड़ेगा कि वायलेंस की शक्ल जो ज्यादातर एकदम लफ्ज वायलेंस जब भी आता है तो जेहन में मारपीट ही आ रहा होता है ना वर्ड, तो ये खाली मारपीट तक ही नहीं है। जिस तरह से सोनिया ने बात की है कि वायलेंस मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब, साइकोलॉजिकल है और इसी तरह इमोशनल जो वायलेंस है वो भी है। तो इसमें देखिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी सरगर्मियां जो हैं वो जरूर हमें लॉन्च करनी होंगी जहां पे जो अटेंशन है वो डाइवर्ट रहे, और सेकेंडली जब लोगों के पास इकॉनमी का जो एक होता है, जो जरूरत जरूरियात जिंदगी जब पूरी नहीं हो रही होती, तो उस वक्त ये फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें जहां पे हमारा, हम जैसी तंजीमों का काम है, वहां पे ज्यादा रोल जो है वो रियासती अदारों का है कि वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस में जो फैमिलीज हैं, इंश्योर किया जाए कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। देखिए, क्योंकि हम हर चीज पे टैक्स पे करते हैं और टैक्स इसीलिए पे करते हैं कि वो हमें, जो रियासती इदारे हैं वो मजबूत हों और हमें मुश्किल हालात में जो है वो बचा सके। तो एक तो ये है कि रियासत की तरफ से जो माली मामनत की और माली इमदाद की जो स्कीमें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा और उनको ट्रांसपेरेंट वे में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अभी ड्यूरिंग एहसास प्रोग्राम जो है वो, खैर कुछ केसेस जो करप्शन के थे वो हाईलाइट हो चुके हैं और उस पर कुछ अरेस्ट भी हुई, और करप्शन पे भी मैं क्लियर कर दूं कि करप्शन से मुराद यही नहीं होती कि पैसों का जो है वो खुद बोलते हैं। करप्शन, अगर कोई फर्द जो है वो अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे रहा तो वो भी करप्शन ही है हमारे। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये करप्शन वाला जो सीन है उस पर भी रोकथाम लगाने की जरूरत होगी। और जो तीसरी चीज है वो लोगों का खुद जो है वो इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि मोल्ड होना, मोबिलाइज होना, कि वो एक ही घर में रहते हुए जो कम से कम रिसोर्सेज में काम हो सकता है वो उसको ज्यादा फोकस करें ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो जाया ना हो रहे हो, बाकी लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। मुस्बत सोच बहुत ज्यादा मायने रख सकती है इस तमाम सूरत हाल में। दोस्तान मोहतरम, हमारी बहुत ही कीमती डिस्कशन जो है वो चल रही है, वक्त है एक और कमर्शियल ब्रेक का। धमाल एफएम 94 के साथ साथ रहिए। फैसलाबाद, जुमरा, पहाड़न, सांगला, मीपू, बंगला, समुद्री चिनियो, लांगिया, रब्बा, झंग, पिंडी, पटिया, सिला मोड़, सालिम, भेरा, शाहकोट, छोड़िया वाला, खानका डोगरा, शेहोपुरा, सुखे की सजाना, तांदे वाला, गोगरा मोड़, गुच्चे की गोजरा, कमालिया, रजाना, भाई फेरू, इसको कहते हैं हर जगह धमाल एफएम 94, भैया हर घर में बजता है। शुक्रिया ट्यूडेंट करने के लिए धमाल एफएम 94 फैसलाबाद। दोस्तों मोहतरम, हमारी बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन चल रही है। हामिद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कोविड 19 के तनाजुर में तलबा के और एजुकेशनल मसाइल जो हैं वो किस तरह से हैं? एक तो ये देखें कि तलबा का एक तो बहुत बड़ा नुकसान हम ये कह सकते हैं कि हम उनका एग्जाम नहीं हो सका, खासतौर पर मैट्रिक से बिलो का जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम नहीं हो सका। अब 23 मार्च से अब तक की सूरत हाल, बल्कि इससे पहले भी स्कूल तो बंद हो गए थे जिसकी वजह से बच्चों को वो मसाइल अभी तक दरपेश हैं, और अभी नहीं लग रहा कि मिड सितंबर से पहले स्कूल खुल सकेंगे। तो ये 7 माह का गैप जो उनकी एजुकेशन में आ चुका है इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। अब अगर इसी को हायर लेवल पर देखें तो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटियां बंद हैं, यूनिवर्सिटियों ने अगरचे अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं लेकिन उसमें बहुत से मसाइल बच्चों को ऐसे सूझे कि एक तो बिजली की बंदिश, नेट की जो फैसिलिटी ना होने से जब जो नीचे वाला लोअर तबका के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट्स करना और
उस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस तरह का मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल अगर वो नहीं कर रहे थे तो करना, और नेट की स्पेशल सहूलियात लेना, ये उनके लिए इजाफी अखराजात तकरीबन आ गए। और इसमें भी जो बहुत दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, जो अगर मैं सिर्फ फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद की दो तीन यूनिवर्सिटियों में भी बलोचिस्तान, केपी, गिलगित और जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स थे। और अब उन स्टूडेंट्स में भी जो खवातीन हैं, अगर आप एक देखें कि बलोचिस्तान के एक स्टूडेंट जो मेल है वो तो किसी न किसी घर से निकल के किसी और जगह किसी कैफे में किसी जगह को कवर कर लेता है। अब उनमें से भी खवातीन जो ऐसी हैं जो दूरदराज के इलाकों में हैं, उनके लिए सारे को कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही। अब फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये भी मजबूरी है कि वो हाजिरी लगाएं, क्लास लेंगे तो हाजिरी लगेगी, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे तो आपकी हाजिरी भी लो हो जाएगी और वो 60% नहीं करेगा, पेपर नहीं दे सकेगा, तो वो उसको लिए कवर करना, वो खासतौर पर मैं जो मेरी मैं देख रहा था क्लासेज में, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो, लड़कियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो जाएंगे, उनकी हाजिरी नहीं पूरी हो सकी, और ऑनलाइन क्लास के अलावा जो क्लास होना वो मुश्किल नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो जा रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं और जो पिछले स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर वाले वो अभी तक उनके पेपर नहीं हो सके, तो उनका पूरा एक साल जाया हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। आपके ख्याल में स्टूडेंट्स को सजेस्ट क्या किया जा सकता है इस दौरान में? स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना तो नहीं, ये तो क्योंकि ये तो स्टेट का काम है, अगर इस तरह की सूरत हाल आ भी गई थी तो जैसे करंटीना बना के हमने बाहर से आने वाले मुसाफिरों को कवर किया, तो चाहिए तो ये था कि यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल खोले जाते जो बहुत दूर के स्टूडेंट्स थे, उनको वहां स्टूडेंट्स सरकारी जो अगर नेट की सहूलियात थी उनसे फायदा उठा के वो अपनी सहूलियात कवर कर लेते। सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों में नहीं भी आ सकते थे, जाहिर अपने हॉस्टल में बंद हो गए, हॉस्टल के कमरे में रह के तो वो गुजारा कर सकते थे ना, हॉस्टल की अंदर रह के सरकारी हॉस्टल थे उसकी चारदीवारी में रह के कवर रह के, तो जब कवर है तो ना बाहर आ सकता है ना को बाहर जा सकता है, तो सूरत वहां भी कवर हो सकती थी। एक तजवीज आई थी मीटिंग में जो वजरा तलीम की मीटिंग हुई, तो उसमें इस तरह की एक तजवीज थी, लेकिन उस पर बाद में अमल दरामद नजर नहीं आया। सही, मजहबी अकलियतों के लिए मुलाजमतों में कोटा तो रखा जाता है, बहुत ही जरूरी सवाल है, पर इस पर अमल दरामद की सूरत हाल क्या है सर? वेल, इसमें जो है हम कहते हैं कि कुछ शिकायत हैं, कुछ जगहों पे शिकायत हैं कि कोटा पे अमल दरामद जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रहा, खासतौर पर मजहबी अकलियतों को जो है वो एक क्या कह सकते हैं टारगेट कर लिया गया है कि ये सिर्फ एज ए जेनेटर ही काम कर सकते हैं, मतलब सफाई सुथराई वाला काम ही जी, मैं समझ सकता हूं कि ये हो गया। और इसमें एक सेकेंड काइंडली, यहां पर मैं डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जाती तौर पर विजिट करके देखा, ये कहीं ना कहीं सोच का अमल दखल है, वो अफराद जो हैं जो कि इस काम में मुलविस हैं वो नहीं आगे बढ़ रहे, खुद नहीं बढ़ना चाह रहे, उन वहीं पे खुश हैं, उनको कैसे पुश किया जाए कि वो अपने बच्चों को जो है इस काम से निकाल करके किसी बेहतर काम में पुश करें, ये उधर भी मसला है उनको जॉब तो ये मैं समझता हूँ कि आपका जो एक एनालिसिस है जिस तरह से आपने ये बात की, सेम उसी पर्सपेक्टिव में आप ये भी देख सकते हैं ना कि अगर वो खुश हैं तो एक्चुअली उनको उस सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं हो रही, और ये कोशिश जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो को कम करके की जा सकती है, और अगर उनका जहन पहले ही आप बना देंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान में जो है वो जो सेकेंडरी हैसियत रखते हैं, आप बराबर के शहरी नहीं है तो आपके लिए ये काम है, तो फिर वो सर्कल वहां पे आएगा। कुछ जगहों पे जो है वो तब्दीली आ रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे उहदों पे जो है वो नॉन मुस्लिम अब भर्ती हो रहे हैं, वो हिंदू भी हैं, वो सिख कम्युनिटी से भी तलग रखते हैं, वो मसीही कम्युनिटी से भी तलग रखते हैं, लेकिन उनकी रेशो उस तरह से नहीं है, उसकी बुनियादी वजह कि जो तालीम का मेयार है वो बहुत कम है, और दूसरा ये है कि जब किसी को आप क्या कहते हैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप या इजी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात होगी ना, कि हमने आपके लिए ये कोटा रखा हुआ है, अब वहां पे वो मिडिल क्लास है या मैट्रिक क्लास है तो वो कोटा जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा जब तक उनकी एजुकेशन पे भी फोकस नहीं किया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो क्लासरूम का एनवायरमेंट है वहां पे भी अभी इम्तियाजी सलूक जो है वो रवा रखा जाता है ना कि भाई ये नॉन मुस्लिम है तो ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, डायलॉग का भी फुकदान है, लोगों को पता नहीं कि ये किस तरह की इनकी इबादत होती है, किस तरह का रहन सहन होता है, तो वो खुद से जो जहन में आ गया वो उसी मुताबिक बात कर ली। ये बात ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये भी देखिए, ये सिर्फ मजहब की बुनियाद नहीं है, ये इसमें क्लास सिस्टम भी है। हमने शायद बच्चों को अभी भी हम ये तरबियत देते हैं कि ये जो क्लास है ये बिल्कुल लोअर है, हम इसके साथ ना खाएंगे ना पिएंगे ना उठेंगे ना बैठेंगे ना सलाम करेंगे,
हम इसके इवन हम इसको देखेंगे भी नहीं सर। आप तो जब तक हम मेंटली तौर पे अब मजबूत नहीं होंगे, हम जो तरबियत का एक फुकदान है, जो मुसावात का सबक हर मजहब ने दिया है, वहां तक नहीं आएंगे। मुसावात सिर्फ बातों से नहीं, अमली तौर पर मुसावात कायम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाए बंदा ना चीज का कि आप मुखातिब करके देखें किसी ऐसे फर्द को, तो आपको दूसरी मरतबा हिम्मत नहीं होती मुखातिब करने की। तो मसला ये है कि आप जो है उधर से कुछ फ्रूटफुल कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम काम कर सकें, नहीं तो वो होता है ना कि कफन फाड़ने वाला हिसाब कि आप मुखातिब करते हैं, आपकी नीयत साफ हो सकती है लेकिन मामला गड़बड़ हो जाते हैं दुराने। बस हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगी जितनी हम पैदा कर सकें, जितने लोगों को एंगेज कर सकें कि हम एक दूसरे को मेल जोल बढ़ा सकें, एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल बढ़ा सकें, जितना उनको एक दूसरे के करीब ला सकें। हाउ डिफिकल्ट इट इज, इट्स मच डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, बट यू आर नॉट एटलीस्ट हेल्पलेस। और आप लोग वो नहीं है कि हम छोड़ चुके दिन, आप करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी बात दुरुस्त है। दूसरा, जिस तरह से हामिद ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी, तो कोविड के सिलसिले में खासतौर पर हम कहें अगर उजाला नेटवर्क की सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही, तो वो यही रही कि जिन एरियाज में फिलंथ्रोपिस्ट मखीर हजरात जो है वो कहते थे कि यहां पर ज़कात वाजिब नहीं होती, तो जब हम उनसे डायलॉग किया और उनको सिचुएशन बताई कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, वो भी पाकिस्तानी शहरी, आप बताइए कि वो फिर क्या करेंगे। तो इस किस्म के मौके में इस किस्म का जो डायलॉग था वहां पे मुखैर हजरात जो है वो कोविड 19 की सिचुएशन में उन इलाकों तक गए और लोगों का दरवाजा नॉक करके उन्होंने फिर चीजें दी हैं उनको बिला इम्तियाज तफरीक, ये बिला, लेकिन मतलब वही है कि डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कोविड सीजन में जो जाला नेटवर्क का एक काम रहा वो ये भी रहा कि हमने एक डायलॉग क्रिएट करके वो जो एक माइंडसेट था टिपिकल माइंडसेट कि ये चीज ये नहीं है, ये चीज ये नहीं है, तो उसमें भी थोड़ी सी जो रहा वो हमवार की। जी आखिरी तीन मिनट है सर, आप तीनों साहिबान कोई कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मैम प्लीज गो अहेड। मैसेज एज सच हर देखना चाहें तो आपको पता ही है एजुकेशन पे हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इस पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये है कि एजुकेशन पे जैसे सर ने बात की हामिद सर ने कि मुश्किल हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में, तो अभी तो मैं सोचूंगी कि इसमें तो हम लोग बहुत पीछे हैं। जो कह लें कि हमारे देहाती हैं, गांव में लोग रहते हैं बच्चे, उनकी क्लासेस का अगर देखें तो उनके पास तो मेरे ख्याल डिवाइसेस भी नहीं होंगी कि वो जो है अपनी क्लासेस ले सके, मुकम्मल नहीं होंगे। तो यही है कि होपफुली अगर 15 अगस्त का कह रहे हैं, सॉरी सेप्टेम्बर का कह रहे हैं कि क्लासेज ऑनलाइन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे स्कूल, तो इसमें एजुकेशन का काफी लॉस हो चुका है। तो यानी तालीम पर ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, पर हाँ जी ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोकस करना सर। वेल इसमें यहाँ पे तो जो हमारी एक रिकमेंडेशन ये थी कि इस किस्म के जो इमरजेंसी के हालात है, जिस तरह से उजाला नेटवर्क फैसलाबाद में मैंने बताया था कि ये चीजें की और सोनिया ने भी डिटेल में बात की, तो रियासत को भी चाहिए कि जब वो इस किस्म की पॉलिसी बना रहा होता है तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो होते हैं उनको प्रायोरिटी पे रख रहा हो, क्योंकि उनकी जो मार्जिनलाइजेशन होती है, उनकी जो एक्सेस होती है फैसिलिटीज तक, वो उसको कहीं ना कहीं वीक कर रही होती है। और अगर एहसास प्रोग्राम में भी हमने जहां जहां पर भी सर्वे किया तो एक चीज बाहर निकल के आई कि जिनकी अप्रोच होती है वो उन वसाइल तक जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनकी अप्रोच नहीं होती वो नहीं पहुंच सकती। तो एक बड़ी रिकमेंडेशन तो यही है कि पॉलिसीज जो होती हैं वो इम्पार्शल होती हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पार्शल होती है, ट्रांसपेरेंट प्लस इम्पार्शल शुड बी। इसी पे यही कहा जा सकता है जहालत जो है ये किसी इससे मजहब का या इससे तबकात का कोई नहीं है, तल्लुक नहीं है। तो जरूरत इस वक्त यह है कि जो जहालत को दूर करने के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने के लिए, बेहतर जो हम जानते हैं, जो लोग जानते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो इसके लिए खुद आगे आएं और इसके लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका शिरकत के लिए। हमारे साथ दोस्तों ने मोहतरम मौजूद रहे सोनिया फितर साहिबा, हामिद यासीन साहब और नसीम साहब। उजाला नेटवर्क और अवाम पाकिस्तान के तहत यह शो जो है आपने सुना, और इसमें माशरे के मुश्किल हालात में भी कुछ लोग जो हैं वो न सिर्फ सांस ले रहे हैं बल्कि लोगों को उम्मीद रखने की अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, और जब नीयतें साफ होकर के कोशिश की जाती है तो वो कहीं ना कहीं तो रंग लाती है, तो ये रंग ला रही है। दोस्तों मतलब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंजॉय द वेदर एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। तब अब नेक्स्ट टाइम तक के लिए ज़ुल हसनैन को दीजिए इजाजत, और अल्लाह सुना हामी नासिर।
Do you know what love is? Love is not a word to say. Love is not a game to play. Love is the Mall FM 94.